देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज आरबीएम न्यूज की टीम निर्माण विहार लक्ष्मीनगर नई दिल्ली पहुंच चुकी है, जहां की आइकॉन फिल्म की ओर से डांस सुपर ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 का यह आयोजन किया गया, जहां की सीजन 2 के लिए आज यहां ऑडिशन लिया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ट्रांसजेंडर की जिंदगी के ऊपर बनने वाली वेब सीरीज जाऊं कहां रब मेरे के लिए भी आज यहां ऑडिशन लिया जा रहा है, जिनके प्रोड्यूसर हैं कासिम सिद्दीकी जी, जो कि पूरा इन्होंने आयोजन किया है। तो आइए ले चलते हैं सीधे कार्यक्रम में और दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां। आज आपकी मुलाकात करवाता हूं आइकन फिल्म की ओर से बनने वाली वेब सीरीज जाऊं कहां रब मेरे की, जो लीड कैरेक्टर की भूमिका में है माहिरा से। और माहिरा के बारे में मैं बता दूं कि आइकन फिल्म की ओर से ट्रांस सुपर ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो पिछले साल हौज खास में आयोजन किया गया था, वहाँ ये प्रतियोगी के रूप में भाग लेने आई थी। और आज यहाँ मैं देख रहा हूँ एक वेब सीरीज के मेन लीड के कैरेक्टर में, और ये बहुत बड़ी बात है इस प्रोडक्शन की ओर से, पहली कोशिश है। और बताएंगी माहिरा कि ये सफर इनका कैसा रहा, तो बताइए माहिरा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि सर ने आपको बताया कि एक वेब सीरीज बनने जा रही है जाऊं कहां रब मेरे, जैसे इसका नाम है जाऊं कहां रब मेरे, वैसे ही इसके अंदर के किरदार हैं, चाहे वो मेरे हो या फिर मुझसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के, वो किरदार इतने अलग हैं वो तो आपको देखकर ही पता चलेगा। जैसे कि सर ने बताया कि 2021 में ट्रांसजेंडर सुपर ब्यूटी कॉन्टेस्ट का प्रोग्राम हुआ होटल साउथ गेट के अंदर, तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था मेरी लाइफ की, वो बहुत एक गोल्डन चांस था जिसने मुझे आज यहाँ पर खड़ा रखा है। उससे पहले एक छोटी सी मुलाकात हुई थी मेरी इस शो के ऑर्गेनाइज़र मिस्टर कासिम सिद्दीकी से। मैं एक ट्रस्ट बिलोंग करती हूँ, कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट, शी इज़ वर्किंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन, तो उससे एक प्रोग्राम में आए थे। ये नहीं कि उन्होंने स्टार्टिंग करा, पहले से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए वर्क करा है उन्होंने एनजीओ से कनेक्ट होकर भी। तो उसी एनजीओ से हम लोग मिले, एक राशन वितरण का समारोह था, उसमें हम दोनों ने एक दूसरे को जाना, उन्होंने मुझे समझा, मैंने उन्हें समझा, हम दोनों की बहुत सी बातें हुई, उन्होंने मेरे अंदर एक क्वालिटी देखी, एक मेरा टैलेंट देखा, जिसके बेसिस पे उन्होंने मुझे एक इतना अच्छा चांस दिया कि मैं आज आप लोगों के बीच एक वेब सीरीज की मेन लीड के तौर पर खड़ी हूँ। मेरे टैलेंट को उन्होंने निखारा, उन्हें मैंने पहचाना, मेरे हुनर को, एक मेरे जेंडर को छोड़कर उन्होंने मेरे अंदर की वास्तविकता देखी, मेरे टैलेंट देखा कि आखिर में मैं हूँ क्या, मेरे अंदर है क्या, सब कुछ तो इक्वल है, क्या पता मेरे अंदर एक कॉमन ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा टैलेंट हो। तो उन्होंने मेरे उस टैलेंट को पहचाना, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। और हमारा वेब सीरीज जल्दी ही आप लोगों के बीच यूट्यूब पर आने वाला है आइकॉन फिल्म प्रेजेंस की तरफ से, तो आई होप कि आप लोग मुझे और मेरी वेब सीरीज़ को सपोर्ट करेंगे और इस रहस्यमय कहानी को जानने के लिए कि जाऊँ कहां रब मेरे का टाइटल क्यों है। इस वेब सीरीज़ में आपको वो सब देखने को मिलेगा शायद जो आपने कभी ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना सोचा होगा। एक रियल स्टोरी पर आधारित ये वेब सीरीज़ आप लोगों का शायद सोचने का नज़रिया बदल देगी। जाऊँ कहां रब मेरे ये एक वेब सीरीज़ नहीं है, बल्कि एक प्रश्न है जो आज से नहीं, बहुत समय से है, सदियों से है। और आज मैं आइकन फिल्म्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया ही नहीं है, बल्कि समाज में पहुँचाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे किन्नर लोग हैं उनको समाज में उचित स्थान मिले, जिसके वो सही मायने में हकदार हैं, और उनको वो सारी सुविधाएं मिलें जिसके वो वाकई में हकदार भी हैं, और उनको वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और यहाँ पे हमें ये महसूस हुआ जिनको जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह का स्थान समाज में मिलना चाहिए उन्हें वो मिला है और मिल रहा है। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार सी ट्रस्ट में सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहा हूँ। जो ये प्लेटफॉर्म हम बहनों को फर्स्ट टाइम दिया और आज सेकंड टाइम जो दे रहे हैं, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो रास्ता इन्होंने दिखाया है शायद ही कोई दिखा सके। तो मैं बस यही चाहूँगा कि सिद्दीकी प्रोडक्शन हमेशा आगे बढ़ती रहे और हमारी ट्रांस बहनों के लिए काम करती रहे। थैंक यू। मेरा नाम दीपक है और मैं कम्युनिटी एम्पावर ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ और ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। पिछली बार सिद्दीकी प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर जो कासिम सर से मिले थे। ये सीजन 2 है, तो कैसा लग रहा है सीजन 2 में? बहुत अच्छा लग रहा है।
और एक वेब सीरीज का भी जो निर्माण हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब शुभकामना दूंगा सिद्धिकी प्रोडक्शन हाउस को कि ये सक्सेसफुल रहे। मेरा नाम नागेंद्र शर्मा है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और खुद भी एक कलाकार हूँ। सबसे बड़ी बात तो आइकन फिल्म्स ने ये जो ब्यूटी कंटेस्ट भी रखा है ट्रांस के लिए, वो एक बहुत बड़ा एफर्ट है। पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला है कि भी ट्रांस के लिए कुछ काम किया जा रहा है जो काबिले तारीफ़ है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा धनंजय कुकरेती जी का, जिन्होंने मेरी इनसे मुलाकात करवाई। और उसमें जब मैंने ये देखा कि भी ट्रांस के लिए काम कर रहे हैं और उससे भी बड़ी बात कि ट्रांस में से भी कला ढूंढ रहे हैं और उस कला को लेकर, उन कलाकारों को लेकर एक वेब सीरीज़ भी शूट की जा रही है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कासिम सिद्दीकी जी का और साथ में आइकन फिल्म्स का कि इन्होंने बहुत बड़ा एक एफर्ट किया है कि कहीं ना कहीं एक मंच जो ट्रांस के लिए दिया है वो बहुत काबिले तारीफ़ है, ताकि उनमें से भी जो कला एक मंच की ओर बढ़ रही है, उनमें से जो कलाकार कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम लक्की कश्यप है, मैं नटराज आर्ट का प्रेसिडेंट हूँ और आज मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बुलाया और पहला भी इवेंट मैंने देखा था इनका जो ग्रीन पार्क में हुआ था, और आज तो खैर और भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इनका सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत अच्छी लगी मुझे कि पहला इवेंट किया और ये इवेंट किया, हमने 106 किए हैं और इन्होंने दूसरे इवेंट किया, लेकिन क्वालिटी इनकी मेरे से ज़्यादा बेस्ट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और मैं चाहूँगा कि क्वालिटी, क्योंकि 100 करोड़ 20 करोड़, लेकिन क्वालिटी अगर एक हो ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो मैं क्वालिटी देख रहा हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत आगे जाएंगे। आइकॉन फिल्म्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ख़ास तौर से इस वेब सीरीज़ के लिए, जो ये वेब सीरीज़ जो बना रहे हैं पहली वेब सीरीज़, और मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी लोग इस वेब सीरीज़ को देखें उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धनंजय कुकरेती। दरअसल आइकन का जो अपना मतलब है वही बहुत बड़ी बात है। आइकन सीज़न 2 है और RBM के माध्यम से ही मुझे एक वीडियो आया था बहुत साल पहले, सुरेंद्र भाई ने मुझे एक वीडियो भेजा था, तो मैं उनसे मिलना चाहता था और अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने उनसे मिलवा दिया। और सेकंड मीटिंग हमारी जब मतलब दोबारे हुई इनसे एक शूटिंग के दौरान, तो वहाँ से पता चला। मैंने 2008 में एक आर्टिकल लिखा था कि किन्नर कौन बदलेगा किन्नरों की दशा और दिशा, तो वो आर्टिकल 2008 में छपा था एक मैगज़ीन में। उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट जागा था इसके अंदर कि ये डिफरेंट काम है, तो आइकन जो मूवी है ये बिल्कुल डिफरेंट काम कर रही है, एक अलग काम कर रही है, तो ये अलग काम हर आदमी नहीं करता है, ये बहुत बड़ी बात है। कासिम सिद्दीकी जी की मैं बधाई देना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि जब भी कोई एक अलग काम करता है तो दुनिया उसके रास्ते भी रोकती है, वो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ती हैं। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि मुसलसल ये काम चलता रहेगा और मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करूँगा, भगवान से दुआ करूँगा कि ये बहुत आगे जाए, ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा बने और इस तरह से जो ट्रांस के लिए जो काम हो रहा है ये कितना लंबा काम हो कि एक लंबी रेस का घोड़ा साबित हो। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। एक कलाकार टैलेंट, एक RBM न्यूज के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अब बताइए, मैंने एक गाना भी चाहेंगे आपसे, एक डायलॉग भी चाहेंगे। मैं आप सब लोगों को नमस्कार करना चाहती हूँ, मैं आपकी अपनी शायरा सिद्दीकी। सिद्दीकी प्रोडक्शन हाउस से मेरा पुराना रिश्ता है, जैसे कि मिस्टर कासिम सिद्दीकी सर हमारे प्रोड्यूसर, तो पहले भी मैं इस मंच पर आ चुकी हूँ, एक बार दोबारा फिर इस मंच पर आई हूँ। तो जैसे कि हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और कर भी रहे हैं मिस्टर कासिम सिद्दीकी, तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। हम लोग कहीं और दूसरे देश से नहीं आए या दूसरी दुनिया से नहीं आए, हम भी उसी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, सो बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। ग्लैमर की दुनिया में आप आ रहे हैं, तो रोल मॉडल आपका कौन है, बताएं, हीरो हीरोइन के बारे में बताएं। रोल मॉडल में तो मैं खुद को कहना चाहूंगी कि मैं खुद हूँ क्योंकि इंसान को अपने अंदर परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हम लोग दुनिया की कॉपी करते हैं पर हमें ये सोचना चाहिए कि कोई हमारी भी कॉपी करे। गुनगुनाने में तो एक मुझे गीत याद आ रहा है, कहते हैं कि हम है इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेंगी सदा यहाँ, गाएंगी ये दास्तां, सुनेंगी जिसे जहाँ, ये जमीन आसमां। क्या बात है। तो बने रहे RBM न्यूज के साथ और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। RBM न्यूज हमेशा सच के साथ। RBM न्यूज हमेशा सच के साथ।